हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रिविज़न लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर क्लास टेंथ तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर किसी बच्चे ने कुछ काम आगे पीछे किसी का था तो वो उसको वहीं पर छोड़ के केवल फिजिक्स में इस लेक्चर से अपने काम को रेगुलर करना शुरू कर दे ये जो इस लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूँगा मंडे को आपके पास ट्वेंटी सिक्स आपके पास मैंने सेंड किए थे और आपसे कहा था कि इनको सोल्व करें जो ना आए वो मेरे से पूछ लें ताकि जो नहीं आ रहे उनको मैं वीडियो में आपको सोल्व करके बता सकूं लेकिन दो या तीन बच्चों को छोड़ के पूरी टेंथ क्लास में से पूरी टेंथ क्लास में से ऑल सेक्शंस में से केवल दो बच्चों ने मेरे से पूछे हैं कि ये एक क्वेश्चन हमें नहीं आए बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा मैं पर्सनली हर बच्चे से कॉन्टेक्ट करूंगा आज से मैं कॉन्टेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ इवन अगर मेरे को घर जाने की जरूरत पड़ी तो मैं घर भी पहुंचूंगा, ठीक है लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं कि आप तो मन मर्जी है कभी कर लिया काम तो कभी नहीं किया ऐसे काम नहीं चलेगा काम सभी को करना ही पड़ेगा चलो शुरू करता हूँ तो क्वेश्चन फर्स्ट जो आपके पास कल मैंने एक असाइनमेंट भेजा था उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो सकते थे रिफ्लेक्शन के है ना तो वो मैंने सारे यहाँ पे बनाने की कोशिश की है सारे क्वेश्चन मैंने इस असाइनमेंट में दिए हैं हर टाइप मैंने इस असाइनमेंट में दी है तो सबसे पहले होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है जैसे ये अपने पास कोई स्मूथ सरफेस है इससे लाइट टकराई और इसी मीडियम में वापस चली गई इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर ये होती है इंसिडेंट रे ये होती है नॉर्मल रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये क्या हो गया आपका जो ये जो सरफेस है ये हो गया रिफ्लेक्टर ये क्या हो गया है रिफ्लेक्टर ये हो गया है रिफ्लेक्टर ठीक है ये आपकी इंसिडेंट रे ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये आपकी नॉर्मल ये आपका पॉइंट पी दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है अब देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम after striking the surface is called reflection of light the bouncing back of the light in the same medium after striking the surface is known as reflection of light ye the first question uske baad second question dekhiye jaldi karwaunga kyunki question bahut zyada hain और 30 minutes के अंदर अंदर मेरे को कवर भी करने हैं उसके बाद है व्हाट इज रिफ्लेक्टर

Low, क्या होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट ए ऑफ इंसिडेंस ओ लाई इन द सेम प्लेन ओ लाई इन द सेम प्लेन नोट कर लीजिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन फोर्थ क्वेश्चन वट वैल्यूज Of एंगल ऑफ incidence i एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r फॉर द नॉर्मल incident लाइट तो so normally अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है यानी ऐसे रे ऑफ लाइट incident हुई तो हमें तो क्या करना होता है ये आपके इंसीडेंट रेट यही आपका नॉर्मल तो एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरी तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री i कितना हो गया जीरो तो r भी कितना होगा जीरो तो वैल्यूज क्या रहेंगे i और r की जीरो फॉर नॉर्मल incident रे एंगल ऑफ incidence इज zero. Therefore अकॉर्डिंग टू लाव ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और विच इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिखना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज रियल इमेज वट इज रियल इमेज तो रियल इमेज क्या होती है ये इमेज ही क्या होती है कि ऐसा पॉइंट जहां पे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो मिले या मिलती हुई नजर आए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं इमेज बोलते हैं जहां पे मिले तो रियल इमेज और मिलती हुई केवल और केवल नजर आए तो उसको वर्चुअल इमेज तो नोट करिए रियल इमेज होती क्या है वैन रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन ज फॉर्म्ड इज रियल रिफ्लैक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वैन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट एफ्टर वैन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लैक्शन दॉइंट इज नोन एज रियल इमेज और द इमेज इज रियल The image formed is real. Next, what is virtual image? When rays like, when rays of a light from an object do not meet at a point but appear to meet. Do not appear, do not meet at a point, but appears to meet at a point. Then the image formed is virtual. Then the image formed is वर्चुअल नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर करवा रखा है प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज की इमेज बनाता है तो इसमें केवल और केवल क्या पूछा है नेचर तो नेचर कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो पूरा ही बता देना है वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज इज फोम्ड बाय प्लेन मिरर हर केस में क्या बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज नेक्स्ट डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर तो क्या होगा द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर फोम से पार्ट देंटर ऑफ होलोस्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर फोम से पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर नेक्स्ट अगर किसी से जल्दी नहीं लिखा जा रहा है तो वीडियो को पोज कर सकता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप ऐसे ही लिखोगे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए नेक्स्ट है डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ होलोस्फियर ऑफ विच मिरर फोम से पार्ट द रेडियस ऑफ होलोसफियर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फोम से पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर नेक्स्ट डिफाइन अपर्चर ऑफ ए स्पेरिकल मिररर डिफाइन अपर्चर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर डिफाइन अपर्चर ऑफ स्पेरिकल मिररर वट इज अपर्चर करवा रखा है द डायामी ऑफ द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसीडेंट लाइट अभी बताता हूँ आप नोट कर लीजिए द डायामीटर ऑफ द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिररर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज़ कोल्ड द अपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है तो इस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट मैंने किस में रखा इंसिडेंट रे में तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा डोटेड लाइन के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर नेक्स्ट डिफाइन पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर नोट कीजिए द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कोल्ड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कोल्ड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर। नेक्स्ट डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो नोट कीजिए ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस नेक्स्ट डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वैक्स मिरर, नोट कीजिए ए पॉइंट ऑन द स्फ़ेरिकल, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट वेयर रेज ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, फ्रोम द कन्वैक्स मिरर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वैक्स मिरर नेक्स्ट है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिररर ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरल टू प्रिंसिपल एक्सीज अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लैक्शन फ्रॉम द कनकेव मिररर अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लैक्शन फ्रॉम द कनकेव मिररर इज कोल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर नेक्स्ट है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर तो नेक्स्ट है क्या करोगे द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर नेक्स्ट राइट द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर तो क्या होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू वेर एफ इज द फोकल लेंथ आर इज द रेडियवेचर ये रिलेशन आपकी थी नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉपी द फिगर इन योर आंसर बुकलेट डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो राइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये आपके पास क्वेश्चन था इसमें फिगर गेवन था उस फिगर में एक इंसिडेंट रे फिफ्टीन डिग्री से कनकेव मिरर में इंसीडेंट करवाई कनकेव मिररर करवाई है तो ये है कनकेव मिरर ये पोलिस वगैरह आप कर लेना यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाइए कह रहा है कि फिफ्टीन डिग्री है इस डा, डायग्राम को पहले कॉपी कीजिए तो पहले आंसर बुकलेट में यानी आपको नोटबुक में बनाना है और उसके बाद ये लाइन आप बना दोगे ये क्या होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया फिफ्टीन डिग्री ठीक है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये आपकी इंसिडेंट रे हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट था लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज तो रियल इमेज में रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती हैं और वर्चुअल में केवल मीट करती हुई नज़र आती हैं उसके बाद रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है हो जाएगा नेक्स्ट था दो डायग्राम बनाए रखे थे उस डायग्राम्स में आपको उन डायग्राम को कंप्लीट करना पहले कॉपी करना था फिर उनको कंप्लीट कर देना था तो कॉपी करने में क्या करना था जैसे ओ, ये कनकेव है इसमें ये इंसिडेंट रे थी ऐसे पहला फिगर था ये इसको कंप्लीट करना था तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे आप ये कनकेव मिरर है ये प्रिंसिपल पोलस ये फोकस है तो ये लो भाई ये तो हो गया कंप्लीट इस लगाओ और ये होगा कंप्लीट और ये बनेगा गया प्रिंसिपल फोकस उसके बाद नेक्स्ट जो था शायद इसमें पॉइंट पी और गिवन था तो पी आप बना दीजिए कोई बात नहीं है उसके बाद दूसरा जो डायग्राम था उसमें आपके पास था कन्वैक्स मिरर और कन्वैक्स मिरर में उसको कंप्लीट करना था इंसिडेंट रे और है ना तो ये था आपका कन्वैक्स इसमें भी आपका ये था प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे जो था ये लाइन एक ऐसे थी एक ऐसे थी तो इसमें इसको आगे प्रोसीड करके ऐसे मिलता हुआ नजर आ जाएगा तो ये था प्रिंसिपल फोकस जाएंगी कहाँ रे एक इधर जाएगी और एक आपकी इधर जाएगी ये आपको करना था ठीक है तो कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट तो कंप्लीट किया ये रे और ये रे हमने ड्रॉ की इसमें केवल ये गिवन थी ये ये और ये तो ये हमने ड्रॉ की क्लियर नेक्स्ट है रे यहाँ पे एक रे डायग्राम बना रखा है उसको कंप्लीट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें मार्क करना है तो वो रे डायग्राम है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मार्क करना है क्या मार्क करना था एंगल ऑफ इंसिडेंस चलिए देख लेते हैं एक मिनट क्वेश्चन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है रे एल एम इन मिर इन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे इज द एंगल बिटवीन इट एंड द लाइन जॉइनिंग टू अदर पॉइंट इन द फिगर नेम दीज टू पॉइंट्स नेम टू भाई थोड़ा सा डायग्राम में चेंजमेंट है इसमें है ना इसमें पॉइंट्स गिवन हम पॉइंट का यूज करके दिखाना है क्वेश्चन है जो उसमें कुछ इस तरह से दे रखा है ये है एल और ये है एम ये लाइन है अपने पास एल एम तो इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं जो आपस में सी और एफ और ये पॉइंट दे रखे हैं पी ऐसे गिवन है तो अब इसको कंप्लीट करना है इन पॉइंट्स के नाम देना है ठीक है अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए रे ऑफ लाइट एल एम इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर मिर इन फिगर द द एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे इज बिटवीन इट एंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू अदर पॉइंट इन द फिगर नेम द इज टू पॉइंट इन पॉइंट्स के नाम भी ध्यान देखिए अगर ये पैरेलल आई है तो कहां से जाएगी प्रिंसिपल फोकस से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा आपका वैसे इसने ये नहीं कहा कि आप इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे वो ड्रॉ करो इसने केवल केवल क्या कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए तो आपको केवल इतना करना है ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है केवल इतना करना है ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बस इतना ही पूछा था इसने ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और किन किन पॉइंट्स के बीच में एक लाइन है जो इसका एंगल बताएगी वो है एम एंड सी वो क्या है एम एंड सी एक लाइन जो कि एम और सी को ज्वाइन करेगी वो बताएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बताएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को नेक्स्ट है यही रे डायग्राम है सेम है अब की बार इसमें पूरा करना है इंसिडेंट रे भी रिफ्लेक्टेड रे uh, भी दिखानी है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो क्या करोगे ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बस इतना ही करना था अगला क्वेश्चन जो था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी सेकेंड राइट द साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्शन थ्रू द स्पेरिकल मिररर्स तो वही है ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल पोल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ पोल आर पॉजिटिव डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव डिस्टेंस अबो द प्रिंसिपल एक्सीज आर पॉजिटिव डिस्टेंस इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल इज रिप्रेजेंटेड बाई यू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल इज रिप्रेजेंटेड बाई वी डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाई आर ठीक है ये थे आपके न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेंशन करवा चुका हूँ या बुक है आपके पास वहाँ से आप नोट कर लीजिए उसके बाद है लिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक फोर इमेज फोन बाय प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी चार करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है बहुत इजी सा है तो सबसे पहले इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट दूसरा साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तीसरा डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर उसके बाद है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेटरली इनवर्टेड लेटरली इनवर्टेड है ना लेटर्स उल्टे एम्बुलेंस जैसे लिखा होता है ना वैसे उसके बाद है क्वेश्चन एक क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज थर्टी सेंटीमीटर फाइंड इट्स फोकल लेंथ एक स्पेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ करवेचर थर्टीज इसकी फोकल लेंथ निकालनी है आर तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू थर्टी बाई टू दैट मीनस फिफ्टीन सेंटीमीटर क्या आएगी फिफ्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोकल लेंथ कनकेव मिररर हुज रेडियस ऑफ करवेचर इज थर्टी टू आर की वैल्यू थर्टी टू गीवन है उसकी फोकल लेंथ निकालनीज इक्वल टू आर बाई टू बट कनके है तो माइनस आएगा कितनी थी थर्टी टू तो माइनस सिक्सटीन आ जाएगा माइनस सिक्सटीन ये कितना था थर्टी टू माइनस का आएगा ठीक है उसके बाद है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिररर हुस ऑफ कर्चर इज पॉजिटिव ट्वेंटी फोर रेडियस 24 है तो उसका फोकल लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर और पॉजिटिव किसकी होती है कन्वेक्स की पॉजिटिव किसकी होती है कन्वेक्स की तो मिरर कैसा है कन्वेक्स है ठीक है बता रखा है ना कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव और कनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो क्लियर ये थे 26 सिक्स क्वेश्चन तो देखिए आप मैंने इनको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया है तो लिखने में 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे तो से मिनट। 40 मिनट 40 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो वीडियो भी देख सकते हो और लिख भी सकते हो दोनों काम हो जाएंगे ठीक है और साथ में आपको याद भी करना है क्योंकि रिविज़न चल रहा है जैसे ही रिविज़न का लेक्चर होगा उसके बाद एक दिन का गैप देख के अगले दिन आपका क्या हो जाएगा टेस्ट तो कोशिश करूँगा संडे तक करने की और संडे को आपका क्या रहेगा इसका कंप्लीट का टेस्ट रहेगा आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स और एक लास्ट में एक बात और सभी बच्चे आज की डेट में कॉपी जरूर चेक करवा लें रिविज़न फर्स्ट की फर्स्ट रिविज़न और लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर फर्स्ट किसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रिविज़न का आज जहाँ तक हुआ है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन सभी बच्चे सभी सेक्शंस के मेरे पास सेंड करें अदरवाइज कोई ना कोई एक्शन आपके ऊपर जरूर लिया जाएगा आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स